ये गाइस हमारा राजभोग या सेमई मलाई केक भी इसको कह सकते हैं। तो देखिए हमारी ये रेसिपी कितनी जूसी और कितनी डिलीशियस है। इस रक्षाबंधन इसे जरूर बनाएं, बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये बनती है हमारी सेमई मलाई केक। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनी है। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन के। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ के सेमैयां जो कि एक सेमई डिजर्ट होगा। तो देखते कैसे बनाते हैं। यही गाइस एक कटोरी चीनी ली है, इसको हम डालेंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। देखिए गाइस पूरी देखते रहिएगा वीडियो, वरना आप लोगों ने अगर स्किप की तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। बहुत अच्छा इसको सेमई केक भी बोल सकते हैं या सेमई डिजर्ट भी बोल सकते हैं और फटाफट बनती है। तो देखिए जितना हमने इसमें चीनी ली थी हम पानी डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए सिर्फ चीनी के थोड़े से ऊपर पानी आ जाए इतना हमें पानी डालना है इसमें, और हम अपनी फ्लेम को ऑन कर देंगे। ये देखिए अब इसके लिए हमें बनानी है चाशनी, बहुत थिक नहीं, बस चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। ये देखिए गाइस हमारी चाशनी में उबाल आ चुका है, ठीक है, चीनी भी पिघल चुकी है। तो थोड़ी देर पकाना है जिससे कि शहद की तरह लगने लगे। ये देखिए गाइस 10 से 12 हमने इलायची के दाने ले लिए हैं, तो थोड़े से हम इसमें ऐड करेंगे अपनी चाशनी में और थोड़े से हम अलग ऐड करेंगे। तो ये पकाते हैं। ये देखिए गाइस हमने ये सेमैयां ले ली हैं जी, ये रोस्टेड वाली सेमैयां जो महीन बारीक बहुत अच्छे से मिल जाएंगी मार्केट में, वो हमने 2 पैकेट ले ली है और इसको ऐसे महीन हमने क्रश कर लिया, तोड़ लिया है, ठीक है। ये देखिए गाइस हमारी चाशनी लगभग लगभग हो चुकी है, क्योंकि हमें तार की चाशनी थोड़ी ना बनानी है। ये देखिए ऐसे कर लिया, ऐसे करने पे ये लग रहा है जैसे कि ऑयल सा फील हो रहा है, तो उसी तरह से हमें अपनी चाशनी बनानी है। तो ये बन चुकी है। ये देखिए गाइस हमने एक ले ली कढ़ाई, वो चाशनी हमने हटा के रख दी है। इसमें हम ऐड करेंगे घी, तो 2 स्पून है, ये हमारा जमा हुआ घी है, ठीक है, थिक घी है। आप चाहें बटर भी ले सकते हैं और आप चाहें तो नॉर्मल घी, अगर पिघला हुआ है तो आप 4 स्पून ले लीजिए, हमने लिया हुआ 2 स्पून, जमा हुआ घी है इसलिए। ये देखिए अब सारी सेमैयां हम अपने इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए ये फ्राई तो है ही है ऑलरेडी, बट इनको थोड़ा सा घी के साथ फ्राई करेंगे ना तो जो घी की स्मेल है वो बहुत अच्छी सी आने लगेगी। तो इन्हें फ्राई करते हैं फिर मिलते हैं। देखिए गाइस सेवैयां लगभग भुन चुकी हैं, तो इसको हम फ्लेम को बंद कर देंगे इसमें, ठीक है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर पाउडर। ये देखिए गाइस इस थाली में हम इसको निकाल देंगे जिससे कि हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर हम शुगर पाउडर गर्म में ही हम निकालेंगे लगाएंगे ना तो पिघल जाएगा, क्योंकि वो हमारी चीनी होती मेल्ट हो जाएगा, तो इस वजह से हमें मेल्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ये देखिए गाइस हमारा दूध 1 लीटर दूध है लगभग, तो इसको हम अपना इसमें डालेंगे उसी कढ़ाई में जो हमने कढ़ाई ली थी फ्राई करने के लिए। ये देखिए गाइस उसको तो बाद में हम ऑन करेंगे गैस, लेकिन पहले हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे। हम इसमें आज इसको कस्टर्ड पाउडर से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक रैप पैक खोल लिया है, इसमें 4 स्पून कस्टर्ड पाउडर, ये देखिए 1 स्पून और 2 स्पून, 3 और 4, ये हमने 4 स्पून डाला है, ठीक है। आप चाहें तो इसके इसकी जगह पर आरा रोट या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। देखिए गाइस आप इसको पानी में भी घोल के डाल सकते हैं और दूध में भी घोल के डाल सकते हैं, तो हम आज पानी में घोल के डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम हल्का हल्के हाथों से बिल्कुल लंग्स फ्री बना लेंगे, स्मूथली है, ठंडा ही पानी लिया था इसीलिए। ये देखिए तो इसको अब हम साइड में रख देंगे, जब हम अरे दूध में बॉयल आ जाएगा तब हम इसको ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस इस दूध को हम बाकायदा चलाते हुए इसको आराम से बॉयल कर लेंगे, जब बॉयल आ जाएगा हमारा तब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। देखिए ये सब चीजें आप देखिए लास्ट तक देखते रहिएगा कि हमने इसको सेमई केक, सेमई मलाई केक क्यों कहा है, क्योंकि इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं जो कि बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए गाइस इस चीज के लिए जो हम बना रहे हैं मलाई, ठीक है, इस चीज के लिए हमको ऐसे ही फैला बर्तन चाहिए जिससे कि हम जल्दी इसमें मलाई इसको बना सके, ठीक है।
ठीक है। अब लगभग हमारा दूध बॉयल होने वाला है और इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। तो देखिए ये हमारी 4 स्पून चीनी है, तो इसमें 4 स्पून चीनी ऐड कर देंगे। देखिए मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए हमने इसमें 4 स्पून चीनी इसलिए ऐड करी क्योंकि अभी हमें चाशनी भी इसी में हम यूज करेंगे, तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा कम चीनी ऐड करी है। इसमें बॉयल आ जाता है, फिर बताते हैं। ये देखिए गाइस, तब तक जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है तब तक इसमें हम ऐड करेंगे शुगर पाउडर। तो ये 2 स्पून हम शुगर पाउडर ऐड करेंगे, 1 और 2 स्पून, ठीक है। अब देखिए गाइस, 2 स्पून दूध पाउडर, इसको थोड़ा सा रिचनेस देने के लिए, ठीक है। और इसको हम आपस में मिला देंगे इसी तरह से। ये देखिए गाइस, अभी देख रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी कोट नहीं हो रहा है, तो इतना पतला हमको नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखिए, तो हम देखिए आप हमारा दूध में लगभग लगभग हल्का हल्का सा बॉयल आ रहा है, तो इसमें हम इलायची ये जो दाने बचे थे वो ऐड कर देंगे, इन्हीं के साथ पका लेंगे। ये देखिए गाइस, आप देख रहे होंगे यहाँ यहाँ पर हल्का हल्का सा बॉयल आने लगा है, तो अपना कस्टर्ड उठाएंगे और एक बार इस तरह से हम चला लेंगे, क्योंकि नीचे बैठ जाता है ना, इस वजह से ऐसे अच्छे से हिलाएंगे और थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते रहेंगे और इसको बराबर दूसरे हाथ से हमें हिलाना है, ठीक है। तो अच्छे से हम स्क्रैप कर लिया है और अब इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल के, जिससे कि हमारे उसमें गांठे ना पड़े, इस तरह से। लगभग गाढ़ा होना चालू हो गया है, ये देख सकते हैं आप कितनी जल्दी गाढ़ा हो गया है, तो इसको पका लेंगे। ये देखिए अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए कोट कर रहा है, तो ये हमारी अच्छे से स्पैचुला पे ये देखिए कोट हो रहा है, तो हमको इतना ही गाढ़ा चाहिए। तो अब हम अपनी फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें हम मिलाएंगे मलाई। ये देखिए 5 से 6 स्पून मलाई है, तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे और मिला देंगे। कर दिया था, मलाई ऐड करी है, मलाई ऐड करने के बाद फिर से एक बार ऑन करेंगे और इसको फिर से हम थोड़ा सा चला लेंगे, जिससे कि देखिए इसमें कस्टर्ड का जो फ्लेवर है वो ना आए, अच्छे से हमारा पक जाए और मलाई भी अच्छे से मिक्स हो जाए। बस देखिए, बस बंद कर दिया है, अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसको यूज करेंगे। इसको राजभोग पुडिंग भी कह सकते हैं। तो देखिए इस तरह का एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है। और आपके पास अगर इस तरह का नहीं, ये देखिएगा इस तरह का फाइबर का हो, बट थोड़ा सा सिलिकॉन बेस हो, जिससे कि अगर थोड़ा सा आंच लगे तो बर्दाश्त हो सके, तो इस तरह के भी कंटेनर में आप जमा सकते हैं इसको। तो ये रहा हमारा एक कंटेनर। अब देखिए हम इसमें एक ट्विस्ट लगाएंगे, ये केक रस का, हमारे यहाँ केक रस भी बोला जाता है, इसको रस्क भी बोला जाता है, तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग बताइएगा। तो ये देखिए, ये है जो केक रस है, इनको हम अपना एडजस्ट करेंगे इस तरह से। देखिए हमने इसको इसीलिए लिया है इस कंटेनर को, क्योंकि हमारा पूरा एक केक रस ऐसे ही आराम से आ जा रहा है, हमें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जितने आ जाए फटाफट सेट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए पूरा सेट हो गया, देखिए कोई हमें तोड़ना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। अब अपना हल्की सी गुनगुनी चाशनी लेंगे और ये चाशनी जो है हम अपना केक रस पर डाल देंगे इस तरह से, जिससे कि ये मीठा हो जाए। देखिए गाइस, चाशनी इसमें गरम ही आप ऐड करें। और अब अपनी हम डालेंगे ये जो हमने क्रीमी क्रीमी टेक्सचर का बनाया हुआ है, इसको पूरे में ऐसे फैलाएंगे, ये भी गरम ही रखेंगे, ठीक है, गुनगुना रखेंगे, जिससे कि अच्छे से सोक कर सके इस तरह से। देखिए गाइस, एक लेयर लगा दी है अच्छे से, इसको ऐसे टैप करेंगे। अब इस पे हम बिछाएंगे अपनी सेवैया। ये देखिए गाइस, आप स्पून से लेते हुए आप हाफ हाफ कर लें, क्योंकि हमें दो बार करनी है, तो हाफ हाफ आराम से कर लें और इनको अच्छे से ऐसे इसके ऊपर बिछानी है। देखिए पुडिंग बहुत टेस्टी बनेगी, ये बहुत यम्मी बनेगी। हमारा हो चुका है, अब इस पे हम दूसरी लेयर फिर से ऐसे ही लगाएंगे। ये हो चुका है, आप इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रिज में, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। जो गीला गया जो सेवैया है, ये सूखी सूखी सी लग रही है,
ये भी सोक कर लें और जो अंदर के रस्क हैं वो भी बढ़िया नरम पड़ जाएं। तो चलिए इनको मिलते हैं लगभग 1 से 2 घंटे बाद। देखिए गाइज, हमारा सेमई मलाई केक या फिर राजभोग बनकर तैयार है। तो इसको कट करते हैं। ये देखिए आप, हमारे काटने के ही इससे पता चल रहा होगा कितना अच्छे से कट रहा है। तो ये रही आज की रेसिपी। चलिए निकाल के सर्व करके दिखाते हैं आपको। पहले गाइज इसकी लेयर देख लीजिए, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर। तो चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से निकल कर रेडी है हमारा राजभोग। ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट, ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। एक मिनट पास से दिखाते हैं कि देखिए इसमें भी लेयर दिख रही है आराम से। ये देखिए फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, ये ऊपर देख सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।